हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं। आज बनाने वाले हम एकदम आसान तरीके से भटियारे स्टाइल में देगी चिकन कोरमा झटपट। तो आज बनने वाला है चिकन कोरमा कौन से भटियारे? हाँ, देगी। हाँ, भटियारे लोग जो बनाते हैं ना देग में डाल के। हाँ। तो मैं अपने जो चिकन कोरमा शादी हाँ, वाला सब अलग अलग है, हम भून भून के बनाए थे। ये झटपट वाला है, ये हर कोई बना सकता है, जिसको खाना बनाने नहीं आता है वो भी बना ले। यानी कि एकदम इजी और सिंपल रेसिपी है चिकन कोरमे की। हाँ। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, जब मैं डेगी वाला चिकन कोरमा बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन, तलेली प्याज, टमाटे, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, कोथमीर, टमाटो प्यूरी, कसूरी मेथी, जावित्री और जायफल। यहाँ लेंगे खड़े गरम मसाले में हम शाहजीरा, फूल, हरी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिरी और तेजपत्ता। यहाँ लेंगे हम मिर्ची की बुक्की, धनिया की बुक्की, जीरे की बुक्की और कश्मीरी लाल मिर्ची। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा दिए है, इसके अंदर डालेंगे तेल। यहाँ पे मैंने 125 ग्राम तेल ली हूँ। तेल थोड़ा ज्यादा ही जाता है कोरमे में, ठीक है। अगर आपको कम लेना है तो थोड़ा कम ले सकते हैं, ज्यादा लेना है तो ज्यादा ले सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सा गर्म होने दूंगी मैं। तो यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, मैं इसमें डालूंगी 8 से 10 काली मिरी, तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो बड़ी इलायची, दो फूल डालेंगे, 5 से 6 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग और ये आधा चम्मच शाहजीरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको अगर प्याज आपके पास तली हुई नहीं है तो आप सबसे पहला प्याज तल के निकाल लेना। मेरे पास तली हुई प्याज थी तो मैंने एक कटोरा भर के लेके आ गई। आप सबसे पहले यहाँ पे 300 ग्राम पूरा प्याज तल लेना और निकाल लेना, क्योंकि चिकन हमारा जो है 1.25 किलो है, ठीक है। तो मैंने तली हुई प्याज लेके आ गई हूँ, इसके लिए मैं यहाँ प्याज नहीं अभी तल रही। अब हम इसमें डायरेक्टली डालेंगे चिकन। यहाँ पे हमने चिकन डाल दिए हैं, अब क्या करेंगे हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले, यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ लाल मिर्ची की बुक्की। यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया की बुक्की, 1 चम्मच भर के हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच लेंगे हम हल्दी की बुक्की और 1 चम्मच लेंगे हम जीरे की बुक्की, ठीक है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, यहाँ मैंने 3 टमाटे ली हूँ बड़े बड़े साइज के, ठीक है ना। तो ये हम टमाटे भी इसमें डाल देंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर ली हूँ 1/2 किलो दही, इसको मैंने फेटी वगैरह कुछ भी नहीं करी हूँ, सीधा हम इसको इसी तरीके से डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैं मेरे हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर लेना। इसी के साथ मैं इसमें 2 चम्मच भर के टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। टमाटो केचप, प्यूरी अलग आती है, केचप अलग आता है बेटा, दोनों अलग अलग आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कोथमीर। अब इसको अच्छे से हम हिला लेंगे। इसमें ज्यादा टेंशन ही नहीं है ये चिकन में, ये कोरमे का सालन बड़े मजे का बनता है। इस तरीके से आप लोग बना के देखना, फिर मुझे कमेंट करना, बहुत मस्त बनता है। इधर मैंने अभी प्याज नहीं डाली है, ठीक है। अभी मैं इसको ढक के थोड़ा सा पकने देती हूँ और आपको प्याज बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो प्याज ली हूँ ये एकदम कुरकुरी है, ये हाथों से भी एकदम चूरा हो जाएगी, लेकिन मैं इसको मिक्सर में थोड़ा सा घुमाऊंगी रुक रुक के, थोड़ा सा दरदरा कर लेती हूँ इसको पहले, ठीक है। उसी के साथ हम क्या करेंगे, ये जो जायफल और जावित्री और ये इलायची, इसको भी हम पाउडर बना लेते, ठीक है, जब तक हमारा ये कोरमा पकते रहेगा।
तो यहाँ पर मैंने तलेली प्याज को अच्छे से पीस ली हूँ और यहाँ पे जावित्री, जायफल, इलायची जो लिए थे खुशबू के लिए ये भी पीस लिए हमने, इसके छिलटे अलग कर लिए हैं पीसने के बाद। और ये आधी बाटी हो गई है, 300 ग्राम से ज्यादा प्याज थी, एक प्याज ज्यादा ही ली थी मैंने, लेकिन तलने के बाद ये इतनी हो जाती है। तो अब आते हैं हमारे यहाँ पे, हमने 10 मिनट तक इसको अच्छे से पकने दिए है। तो आप लोगों को बता दूं कि मैंने यहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं डाली हूँ, ये जो भी है दही का पानी है, टमाटे का पानी है, चिकन का पानी है, ठीक है, हमको इसी में इसको अभी पकाना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैं अभी इसमें ऐड करने वाली हूँ ये पीसी हुई प्याज, ठीक है, इससे हमारे कोरमे को थिकनेस मिलती है, अच्छे से गाढ़ापन मिलता है, ठीक है। अब हम इसको पकने देंगे, अभी मैंने 10 मिनट रखी थी एकदम फास आंच पे रखी थी, ठीक है ना। अब हम रखेंगे मीडियम से स्लो की तरफ, चिकन जो है ना वो मीडियम से स्लो की तरफ ही जाके अच्छा गलता है, फास आंच पे नहीं गलता है, ठीक है, ये गलतफहमी मत रखना कि बहुत फास रखेंगे, बहुत से लोग बोलते हैं फास रखने से चिकन गलता, नहीं, जितना धीमी आंच पे सालन अच्छा बनेगा और जल्दी गलेगा गोश्त आपका, ठीक है। अब हम इसको और 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे, तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट मैंने इसको अच्छे से पकने दी हूँ अभी। वाव, खुशबू और खुशबारी है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि मैंने ढक्कन हटा के एक बार हिलाई भी हूँ इसको, देख रहे मसाला, देख रहे मेरा मस्त ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अभी हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, नहीं करे है मतलब करेंगे थोड़ा, तो यहाँ पे कलरफूल भटियारे लोग डालते हैं इसमें ताकि उनका सालन निखर के आए, तो हम भी थोड़ा सा फूड कलर चुटकी भर लिए हैं, इसमें 2 चम्मच पानी डाली हूँ मैंने, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि हमारे भी सालन में थोड़ा सा अच्छे से कलर आ जाए। इसी के साथ मैं यहाँ पे ये जो जावित्री है और इसका खुशबू का मसाला पीस के रखी हूँ ना, ये भी हम इसमें थोड़ा डाल देंगे, इसको अच्छे से हिला लेंगे, ये बहुत मज़े का लगेगा, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ये मैं बनाते रहती हूँ घर में, बहुत मस्त लगता है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ये पानी मैं क्यों ऐड कर रही हूँ, ताकि हमें चिकन और थोड़ा गलाना है, ठीक है, अगर इसी में अगर अभी गल जाता तो मैं पानी नहीं डालती थी, लेकिन कैसा टांग वगैरह है ना सब मोटी मोटी, तो इसको अच्छे से गलाना है, इसलिए मैं यहाँ पर आधा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसको और 10 से 15 मिनट में पकाऊँगी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, ठीक है। तो इसमें पानी डाल के मैंने 10 से 15 मिनट इसको आराम से पकने दी हूँ, है ना, माशाल्लाह ये ठीक हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर, यहाँ मैं बता दूँ आपको कि मेरा मसाला कितना गाढ़ा हो गया है, और अभी ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा, ठीक है ना, ये इतना गाढ़ा है, अगर आपको और सुखाना है तो सुखा लेना, मुझे नहीं सुखाना है, ये अभी ठंडा होने के बाद और सूखेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी सबके लास्ट में, इसका फ्लेवर एक अलग ही आता है, ठीक है, सालन का कलर देखो कितना अच्छा निखर के आया है ना माशाल्लाह, मस्त। तो यहाँ पर मेरा रेडी हो गया है देगी चिकन कोरमा, ठीक है, मस्त मस्त वाले नान मंगाने का, खाने का, पराठे बनाने का और खाने का। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना देगी वाला चिकन कोरमा, एकदम झटपट वाला, हाँ। एकदम फटाफट बनाया मैंने, बहुत ही इजी और अच्छी रेसिपी है सही में, चिकन में मैंने सारे मसाले डाले और चढ़ा दिए, है ना, ऐसी कुछ थना हाँ। प्रोसेस देखो ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में पक गया, ये लेता है 40 मिनट पूरा लेता है पकने में, लेकिन भूनने का टाइम हमारा बच जाता है, सब एक साथ डाल सकते हैं, सारे बच्चे आराम से पका सकते हैं, खाली सामान का मेजरमेंट याद रखना कितना कितना लेने का, यानी कि प्रोसेस है ना इसका वो बहुत ही सिंपल और इजी है, मतलब जो दूसरे सालन है ना उसमें थोड़ा ये डाल के पकाओ, वो डाल के पकाओ, हाँ। ये डाल के पकाओ, इसमें एक साथ सब डाल दो और फुल उसको पका लो, टोटल कितना 30 मिनट तो पकाए रहेंगे तुमने, 40 मिनट हाँ, तो सब, लेकिन सही में देखो ना यार क्या मस्त एकदम शाही वाला लग रहा है, खुशबू भी कितनी मस्त आ रही इसमें, और मेन मतलब क्या है ना, बोटी भी बड़ी बड़ी थी ना हमारी, अगर आपकी बोटी छोटी छोटी है तो आप 30 मिनट या 25 मिनट में भी उतार सकते हैं, ऐसा है बोलने का मतलब हमने बड़ी बड़ी बोटी लिए थे इसके लिए, हमारा एकदम ये थिक ग्रेवी बनी हो, पतला वाला सालन नहीं है, हाँ मस्त एकदम सही में शाही सालन भी बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इसको, माशाल्लाह हमने इसके अंदर कोई काजू बादाम हाँ, नहीं डाले, लुक में एकदम शाही लुक आ रहा है इसका, सस्ते मध्य में हमारा शाही लुक है क्या, नहीं निकालो जल्दी 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 जल्दी
मस्त एक नंबर। इसको ना जरा हमको देख के डालना पड़ता है, जरा तेल ना जाए ये नहीं जाए, लेकिन खा ही लेता बेचारा। ऊपर आता ना उसकी डाइट पूरी खराब हो ही जाती है। पराठे भी आगे ले। धुआं निकलता हुआ सालन, चिकन की बोटी, टांग भी उठा के खा रहा। गरम है ये भी, गरम है बोटी भी, गरम है। मस्त में जीरा राइस बनाने का, बासमती चावल का, पराठे बनाने का, सालन बनाने का, कोरमे का, एक नंबर। कोई भी मेहमान आए खुश। सही में देखो रोटी के साथ तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन सही में जीरा राइस के साथ ये और खुल के आएगा और अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा बना। इसके साथ नान बनाओ, तंदूरी रोटी बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब इसके साथ जाएगा। मांडा के साथ जैसे जाती है ना रुमाली रोटी। हाँ रुमाली रोटी भी अपने डाले ही ना बना के। हाँ। जिसने नहीं देखा जाके देख लेना, तंदूरी रोटी के साथ मैंने रुमाली रोटी भी डाल चुकी है। हाँ रुमाली रोटी भी है मेरे चैनल पे, तंदूरी है, नान है। तो ये सालन ऐसा है ना कि जिसको खाना नहीं भी बनाने आता ना, वो 102 बार हमारा वीडियो देख लेना, बराबर इजी तरीके से चिकन बना देंगे और जरूर से आपके घर वाले आपकी तारीफ कर करके खाएंगे। और ऐसे ही नहीं कि सालन खाने के बाद ऐसा बोलेगा हाँ ठीक है नहीं बहुत अच्छा बना ऐसा जरूर बोलेगा, क्योंकि सही में सालन उतना अच्छा बना है। इजी रेसिपी के साथ सालन अच्छा बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। है ना मस्त ना, मजा आ गया। अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, है ना। आजकल हमारे भाई को मान गया खानदान में कहीं भी गया बोले ना हाँ ये बहुत अच्छा है, तो बोले अरे पास हो गया। बोले स्ट्रीट फूड वाला खानदान दे रहा है। दोस्तों में भी ऐसा हो गया है, कुछ खाने में ना मेनू सीधा मेरे पास आता है, देखना बता ना क्या मांगा। ढाबे पे जाओ, होटल में जाओ, दोस्तों के साथ खाने जाओ, वो डिश बने से कैसी भी रहे दोस्तों में भी। अगर मैंने बोल दिया ना हाँ यार अच्छी चीज है, सब ना वही ज्यादा खाएंगे, ऐसा अभी हो गया मेरे साथ। रिव्यू देने वाला बंदा हो गया जज। लेकिन मैं भी हार हूँ, जो ज्यादा अच्छा रहता है वो बोलता ही नहीं, मैं खा लेता हूँ ज्यादा। अच्छा बाहर रहता है देख, दोस्त लोग देख रहे हैं सब। जो अच्छी रहती हूँ गायब हो जाता ना फिर। यहाँ तो अच्छा है ना, यहाँ सही में अच्छा, यहाँ कहीं गायब नहीं होता, यहाँ मिलता ही मिलता है। अभी टांग भी खा ले, निकाली मैंने तेरे लिए। अगर आपके पीस छोटे छोटे है तो आप फटाफट निकाल लेना, 20 से 25 मिनट में पक जाएगी चिकन, तो फिर वो है ना वैसा है, चिकन के साइज पे भी होता है ना, गले नहीं गले। और मेरे घर में थोड़ा सा ना हल्का सा ना गला हुआ ही सबको पसंद है, चाहे वो मटन हो चाहे वो चिकन हो कोई भी चीज हो, गली हुई ही पसंद आती है। मजा आ गया। हाँ तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो गाइस प्लीज प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जाना। हाँ। प्लीज कमेंट्स करना ठीक है, और थोड़ा थोड़ा शेयर भी करना। और ये चिकन कोरमे की इतनी आसान और इतनी इजी रेसिपी ना, तो अभी आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ जो बोलते ना हमको खाना बनाना नहीं आता, तो ये उसके लिए बेसिक सालन बहुत ही अच्छा और मस्त बनेगा एकदम। वहां तक ये सालन को भी शेयर करो, चिकन कोरमा देगी वाला। हाँ इसमें ऐसा है ही नहीं ना कि आप लोगों से नहीं बनेगा कि अरे ये डालने के बाद मैं ये भूल गई, ये डालने के बाद मैं ये भूल गई, आप सब चीज इसमें डाल दीजिए आराम से बनाइए। और मेरे पास तली हुई प्याज थी बोल के मैंने तली हुई प्याज डाली, आप पहले ही 300 ग्राम या 350 ग्राम प्याज पहले से तल के निकाल लेना, उसके बाद ये मेरे ख्याल से अभी बहुत से लोगों के घर पे ना ऑलरेडी प्याज तली हुई रखे होती होगी। हाँ स्टोर करके रखते हैं, हमने ना तली हुई प्याज का वीडियो भी बनाए हैं मेरे चैनल पे, तली हुई प्याज का भी वीडियो है। और हाँ आजकल तो ज्यादातर मॉल से खरीद के लेके आ जाते हैं, तली हुई प्याज की पैकेटें भी मिलती है ना, तो इस तरीके से। तो चलते हैं, जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दिया है, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो और कमेंट्स करके बताओ कौन सी डिश चाहिए, सजेशन करो, यानी कि सजेशन बहुत कम हो गया ना, सजेशन नहीं आ रहे मुझे, सजेशन आते हैं लोग तो होगा, मेरा साबुदाना अभी तक नहीं बना है।
अरे हाँ, एक साबुदाने की खिचड़ी का है, लेकिन बेटा मैं इसके लिए नहीं बनाई, सभी बना लेते हैं साबुदाना, कोई इतना हार्ड नहीं है। फिर भी अगर आपकी फरमाइश है, कंटिन्यू हर वीडियो में आ रही है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी साबुदाने खिचड़ी बनाने की। ठीक है, ऐसा तो सबको आती है, फिर बना के डालूंगी तो बोलेंगे अरे ये तो हमको आता है, ऐसा भी है ना, बोलने वाले ऐसे भी है। हाँ। इसके लिए नहीं बनाती हूँ, लेकिन एक बंदी है जो डेली मैसेज डालती है मेरा साबुदाने की खिचड़ी नहीं बनी, आज भी नहीं बनी ऐसा। इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।